हाँ, फाइल्स रख ली है मैंने। एक सेकेंड। अरे दो मिनट में आ रही हूँ यार, पार्किंग में ही हूँ मैं। दीदी अब तू वेट कर, आ रही हूँ मैं। मैं आपको जानती हूँ क्या? नहीं तो, मैं भी आपको नहीं जानती। तो आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? वो आपको छोड़ने के लिए। छोड़ने के लिए क्यों? आप देख नहीं सकती हो ना, इसलिए। बेटा मैं देख सकती हूँ, आपको गलत फहमी हुई है। अच्छा दीदी, आप ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? मतलब आपको ढंग से पढ़ना नहीं आता है क्या? क्यों, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैंने मास्टर्स भी की है। मास्टर्स? वो क्या होता है? मास्टर्स डिग्री होती है बेटा, जब आप मेरी एज की हो जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा दीदी, पर मुझे लगता नहीं आपको पढ़ना आता है। क्यों? बस लगता है। बड़ी अजीब बच्ची है, हाथ भी नहीं छोड़ रही, क्या करूं? दीदी आप एक काम करो, आप ना मुझे कुछ पढ़ के सुनाओ, फिर पता चलेगा आपको पढ़ना आता है नहीं आता। क्या पढ़ के दिखाऊं? कुछ भी। गुस्सा नहीं गीता, बच्ची है, फोन से पढ़कर सुना देती हूँ। अब मैं तुम्हें फोन से कुछ पढ़कर दिखाती हूँ। हाँ ठीक है। टुडे द वेदर विल बी टू हॉट इन दिल्ली, टेम्परेचर विल राइज टू 42 डिग्रीज। हो गया विश्वास, जाऊँ मैं? दीदी आपने जो पढ़ के सुनाया वो तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैं कैसे मान लूं आपने सही पढ़ा? फिर तुम ही बता दो, मैं क्या पढ़कर बताऊं, विश्वास हो जाएगा तुम्हें? हाँ ये अच्छा आइडिया है। अगर तू बच्ची ना होती ना तो अभी कान पर एक बजाती तेरे और फिर पढ़कर सुनाती। दीदी आप कुछ बोल रही थी क्या? कुछ नहीं। अच्छा आपको ये पोस्टर दिख रहा है? हाँ। उसमें जो लिखा है वो पढ़ के बताओ। ठीक है, अगर मैंने तुम्हें वो पढ़कर दिखा दिया तो मुझे जाने दोगी ना? हाँ हाँ फिर चले जाना। ओके, डू नॉट लिटर, प्लीज यूज कंटेनर्स प्रोवाइडेड। दीदी हिंदी में भी लिखा है। ठीक है पढ़ रही हूँ, सांस तो लेने दो। हाँ हाँ ले लो सांस। यहाँ कूड़ा फेंकना सख्त मना है, कूड़ा फेंकने पर 5,000 जुर्माना अथवा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखा पढ़ लिया, अब जाऊं मैं? दीदी पर आपके पढ़े लिखे होने का भी कोई फायदा नहीं है। मतलब? मतलब पढ़ना आने के बाद भी आपने अभी आपे कचरा फेंका, वो देखो वो कब जो आपने अभी भी फेंका था। क्या फायदा आपके पढ़े लिखे होने का जब आप ऐसे बेसिक रूल्स भी फॉलो नहीं कर सकते। मेरी मम्मी कहती है कि हमें अपने आस पास के सराउंडिंग्स को साफ रखना चाहिए। अब वो एक्चुअली मैंने नोटिस पे ध्यान नहीं दिया। मतलब अगर यहाँ पे नोटिस नहीं लगा होता तब आप कचरा फेंकती? अब नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर क्या फायदा आपके मास्टर्स करने का जब ऐसी छोटी छोटी बातें जो इंसान को खुद से फॉलो करनी चाहिए आपको कोई बताए तो? कोई फायदा नहीं ऐसी बड़ी बड़ी डिग्री का। आपसे अच्छे तो हमारे कचरे वाले भैया है जो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है पर हमारे आस पास को साफ रखते हैं और कचरा उठा के फेंकते हैं। अच्छा बाबा अब लेक्चर देना बंद करो। सॉरी आगे से मैं ध्यान रखूंगी। गुड, अब आप पढ़ी लिखी बन जाओगी। वैसे तुम अपनी एज से ना काफी बड़ी बड़ी बातें करती हो। मेरी मम्मा भी यही कहती है। एनीवेज थैंक्स मुझे इतना बड़ा ब्लेसिंग देने के। यू आर वेलकम। अब जाते टाइम मैं इसको डस्टबिन में फेंक दूंगी। जोर से बोलो हैप्पी डीडी।